वेलकम अगेन। और बात हो रही है हर्बल की, शुगर की, और शुगर से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। और कुव्वते मदाफियत को स्ट्रॉन्ग कीजिए तो आप बड़ी सी बड़ी बीमारी को भी फेस कर लेंगे। अगेन आपको खुशामदीद कहती हूँ अकील साहब। काम की मुझे, मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को वो बात पता चल जाए कि जिससे वो अपने आप को बूस्ट अप कर। मैं ये बता रहा था स्क्रीन मैजिक क्रीम जो है ये तकरीबन 100 इमराज में काम आती है। हर किस्म के शुगर को नॉर्मल कर दी है एक्सटर्नल तौर पर, और इसको ये आपकी ब्लड को, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है, खून की लेवल को बेहतर करती है, ऑक्सीजन लेवल बेहतर करती है। आप यहाँ गर्दन पे लगाएं, ये गर्दन के पीछे, गर्दन के मोहरों पर, और इसी तरीके से रीढ़ की हड्डी के मोहरों पर, रीढ़ की हड्डी का जो प्रॉब्लम्स होता है वो सॉल्व हो जाता है। इसी तरह लकवा, फॉलिज, कैंसर, हेपाटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, ठीक है, जितनी भी 100 बीमारियों का एक दवा है ये। और सबसे अच्छी बात है कि अंदर अगर ना कुछ जैसे मेडिसिन खा खा के लोगों को, जी बहुत सारे लोग होते हैं जो मेडिसिन से, ये तो बहुत बेहतरीन है, मेडिसिन खाने से परेशान रहते हैं, उठा जाते हैं, तो ये एक्सटर्नली तौर पे यूज भी करते हैं। और इससे नाज़रीन आपका स्किन बेहतर होना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ खत्म होना शुरू हो जाती हैं, स्किन पे जो पैचेज हैं, मल्टी कलर जो स्किन बन जाती है मुख्तलिफ इमराज में मुबतला होने के बाद, या शुगर से में मुबतला लोग जो हैं उनकी स्किन मुरझा जाती है, ये स्किन को फ्रेश भी करता है और आपकी ग्लो भी पैदा करता है और आपको रिवर्स एजिंग में ले जाता है, यानी 10 से 15 साल आपको पीछे ले जाती है। हेल्थ और ब्यूटी एक साथ, एग्जैक्टली लाजमत है कि हर शख्स चाहता है कि खूबसूरत हसीन जवान रहे, मगर ये बीमारियां जब लग जाती हैं तो इनका स्ट्रेस, वो इस कदर परेशान इस कदर हो जाते हैं कि वो उससे जो है मुरझा जाते हैं उनके चेहरे। ऐसे ही आज मुझे आमिर लियाकत के बाद बड़ा अफसोस हुआ, उनका एक लेजेंड था, बिल्कुल हमारे मुल्क का एक सरमाया था, बेहतरीन एंकर, बेहतरीन जो है माशाल्लाह इस्लामी बड़ा इल्म रखते थे, आलिम की तरह, सोशल मीडिया का एक अजीम था वो, बिल्कुल, बिल्कुल। और सोशल मीडिया ही ने उसको मार दिया, और आपने बहुत, क्योंकि जो लोगों ने उनके साथ इतने छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया उछालता है, ये नहीं पता होता कि इंसान की जिंदगी से, उसकी इज्जत से खेल रहे हैं। नाज़रीन गलतियां तो इंसान दुनिया में सभी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को एक्सप्लॉइट करना ये आप समझिए कि बहुत बड़ा गुनाह भी है। और कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और वो किसी सबब से जाते हैं, वो इस कौम पर कर्ज छोड़ जाते हैं। आने वाले ऐसे लीजेंट अदाकार कभी कभी पैदा होते हैं। आमिर लियाकत के वालिद शेख लियाकत मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से थे, अक्सर उनके घर जाना, मीटिंगें करना, उनकी वालदा महमूदा सुल्ताना उनसे बड़े थे, या आमिर लियाकत पर छोटा सा था जब हमारे पास, अब वहीं आता था और चाय लेकर आ रहा है, मेवा जात लेकर आ रहे हैं, नाते सुनाते थे मेरे छोटा सा था। आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि बड़ी छोटी सी उम्र में वो दुनिया से चला गया, खूबसूरत और एक टैलेंटेड इंसान को खो दिया, मैं ये कहूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी आपने बहुत अच्छी बात की, किसी की जातियात है ना वो उसकी पर्सनल है, लेकिन वो आवाम के लिए एक अच्छे मोटिवेशनल पर्सन थे और बहुत उन्होंने क्रिएटिव काम किया है और लोगों ने उनको फॉलो किया है। लेकिन एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया पे हर चीज को बड़ा ह्यूमर बना के प्रेजेंट करने से आपको ये नहीं पता कि किसी की जो है ना तज़लील हो रही है, मुझे बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, दुख बहुत, इनकी जगह कोई और भी बहुत हसास लोग होते हैं। और सर किसी की भी नहीं करनी चाहिए सर, इस किस्म की जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग। बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को देखा है कि वो सोशल, वो खुद अपने आप को स्कैंडल बनाते हैं अपना, समझे ना, वो तैयार होते हैं इसलिए कि स्कैंडल में ही वो अपना उनकी प्रोजेक्शन होती है। लेकिन ऐसे लोग जो बाइज्जत हों, बावकार हों, साहिब इल्म हों और साहिब अमल हो, तो वो ऐसे लोगों को बड़ा जज्बाती होते हैं और वो फिर जिंदा नहीं रह सकते। किसी शख्स को, किसी बाइज्जत लोग शख्स को अगर आप उसकी इज्जत पे हमलावर हो जाते हैं तो मर जाता है। एक कॉलर है, बात करनी है, जी जी बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं औरंगाबाद से रुखसाना बोल रही हूँ। जी रुखसाना मेरी प्यारी बहन, क्या पूछना है आपने? मुझे अकील साहब से पूछना है अपने शुगर के बारे में भी। बात कीजिए किम साहब से, बात कीजिए। जी जी फरमाए बेट, फरमाए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। अजीम साहब ये मुझे गर्दन में अपने शुगर के बारे में और ये जिगर और गुर्दे पे
और अमित के बारे में पूछना है, और मेरे पीछे के दो मोहरे ना L4 L5 भी में गे पाया हुआ है, जिससे चलने फिरने में बड़ी परेशानी होती है मुझे, और ये मेरे अच्छा इधर आपकी तकलीफ। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 35 साल। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं औरंगी से बात कर रही हूँ। अच्छा, वजन कितना है? वजन तो काफी बढ़ चुका है, क्योंकि चलने में बड़ी मुश्किल होती है, चल नहीं पाती। हाँ, यही बेटा यही वजह है आपके मोहरों में प्रॉब्लम, वजन की वजह से आया हुआ है। आप मेरे पास तशरीफ लाए, आपका इंशाल्लाह जो है, मेरा ये एड्रेस चल रहा है फोन, आप देख रही होंगी स्क्रीन पर। और अभी आपने सभी बताया था ना अपने कैंसर, और जाहिर सी बात है मैं अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ अभी अभी हमने कैंप लगाया हुआ है, इतवार को है 12 से 4-5 बजे तक है कैंप, आप उसमें आए ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आपको वजन लॉस करने की भी दवा दे देंगे, और शुगर को ख़त्म करने की भी, यानी शुगर का मर्ज ख़त्म हो जाएगा आपकी बॉडी से, और आप नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, चले आप। अच्छा बात यह है कि अब ये इस, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है जी, और मैं इस मुख्तसर वक्त ये में, लेडी मेरी प्यारी बहन ने कॉल की, इनके बारे में क्या कहेंगे? मैं इन्हें ये कहूँगा कि क्योंकि एक तो वजन ज्यादा इनका हो गया, और इनका शुगर लेवल भी काफी, शुगर की वजह भी है, और शुगर होने की वजह भी इनका ये है कि ये वॉक एक्सरसाइज वगैरह की तरफ नहीं है, जो वजन बढ़ गया जी जी। तो इन्हें मैं खातून को ये कहूँगा कि मेरे पास आए तो शुगर की भी दवा ले, इंशाल्लाह आप वजन भी कम हो जाएगा, आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा। ओके। तो मैं अब एक और चीज आखिर जी 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 बताइए, जाते हुए जी जी मैं आपको बता देता हूँ कि नाज़िन ये हमारा जो है ना ये अस्करी वाटर है, ये अस्करी वाटर जो है ये भी तकरीबन मेरी हर दवा जो है एक मर्ज के लिए नहीं होती, जबकि एलोपैथिक दवाइयाँ, और इसमें फ़र्क ये है, ये कई मराज में काम आती है, और एलोपैथिक कई मराज को कवर करती है, क्योर करती है। एलोपैथिक दवाई एक मर्ज को कंट्रोल करती है और कई मर्ज पैदा कर देती है, उनके आफ्टर इफेक्ट्स ये होते हैं। तो तिब्बे नबी की अद्वियात को दुनिया भर में प्रेफर किया जाता है, अमेरिका, बरतानिया और इसी तरह चाइना और जापान वगैरह में बाकायदा तिब्बे नबी पर रिसर्च हो रही है, और ठीक ठाक तरीके से इस पर काम हो रहा है। मैं इन चीज़ों को आपको पेश बताता हूँ कि ये जोड़ों का दर्द, दांतों का प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, अल्सर, बवासीर, मेदे की प्रॉब्लम है, और इसी तरीके से आंतों का, जो आंतों में किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आ जाता है, उस सब प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। छोटा सा डॉक्टर अपने जेब में रखे मुख्तसर, ये आपकी जेब में है तो समझे कि आप डॉक्टर आपकी जेब में है। हर इमरजेंसी में ये अस्करी वाटर जो है वो काम करता है। अपने साथ रखिएगा, और इनका नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा। अभी सर आपसे इजाजत चाहूंगी, नेक्स्ट फ्राइडे को फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी नाज़रीन, आप लोगों ने छोटी सी यहाँ पर हम लोग लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। इनका स्पेशल पैकेज जरूर देखिएगा।